While the Delhi High Court on Thursday directed the government to temporarily stop plying e-rickshaws in the city, the decision has not gone too well down the throat of political parties. Daggers are out to fight out the injustice met towards the e-rickshaw pullers. The situation had DPCC President Arvinder Singh Lovely and Delhi BJP President Satish Upadhyay drop in at Raj Nivas. DPCC President Arvind Singh Lovely called on the Delhi Lieutenant Governor Najib Jung today to show his party's concern on e-rickshaw issue. देखिए हम लोग अपना कंसर्न शो करने के लिए आए थे ई रिक्शास के लिए. जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबली गवर्नमेंट ने इस इश्यू को हैंडल किया है, आज उसकी वजह से जो है दिल्ली के लाखों लोगों का जो बेचारे अपना रोजगार ई रिक्शा से चला रहे थे उनके ऊपर तलवार लटक गई है. हम निश्चित तौर पे ये चाहते हैं कि पैसेंजर की सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. उसको लेके जो भी रूल रेगुलेशन बने वो डिपार्टमेंट को ड्रॉ करने चाहिए. लेकिन ई रिक्शा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और एक स्कीम शुरू की गई है तो इसको प्रॉपरली जो है सरकार को चालू करना चाहिए. द पार्टी इन पावर बीजेपी ऑल्सो मेड देयर वे टू राज निवास टू डेलिब्रेट ऑन द इश्यू. डेली बीजेपी प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय हैंडल द इश्यू डिप्लोमेटिकली वाइल टॉकिंग टू द मीडिया. कुछ समय जब भी कोई नई व्यवस्था आती है तो उसमें समय लगता है और इसलिए हमारे जो मंत्री हैं गडकरी जी उन्होंने कैबिनेट को इसका एक वो भेजा हुआ है. 8-10 दिन के अंदर उससे सारा का सारा एक डायरेक्शन जो हमको मिलनी है वो आ जाएंगी क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं और कोर्ट को भी जिस तरह की एक घटना के कारण से कोर्ट को ही लगा होगा. लोगों के जीवन की चिंता हमको है लेकिन किस तरीके से ई रिक्शा लोगों की रोजी रोटी लोगों को मिलती रहे. गरीब लोगों ने लोन लेकर के अपने लिए ये काम किया है, दिल्ली में एनवायरमेंट को ठीक किया है, उनको दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है. जिस तरह से मेट्रो और बाकी जो ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसपोर्ट है उस ट्रांसपोर्ट के लिए वो कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस उनकी जो जरूरत है दिल्ली के लोगों की जो ट्रांसपोर्ट की जरूरत है और एक डिग्निफाइड तरीके से पहले जो हाथ से चलाते थे डिग्निफाइड तरीके से वो एक योगदान दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को मदद कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है. It is sad that the government, without doing any legislation draft and without preparing any paper on the issue, announced that it will remove e-rickshaws from the Motor Vehicle Act, said Lovely, expressing his concern over the issue. और बहुत तकलीफ की बात है कि इतनी गैर जिम्मेवार सरकार है कि बिना होमवर्क किए हुए, बिना लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किए हुए, बिना कोई कागज तैयार किए हुए रामलीला मैदान में रैली करके ये अनाउंस करते हैं कि हम जो है मोटर व्हीकल एक्ट से जो है ई रिक्शा को हटा देंगे. जबकि एक कदम उस ओर नहीं किया गया और उस घोषणा के बाद दिल्ली के हजारों गरीब आदमियों ने बेचारों ने, क्योंकि इस सरकार अगर कोई घोषणा करती है तो इस देश का आम आदमी उसको गंभीरता के साथ लेता है, तो हजारों लोगों ने ई रिक्शा खरीद लिए. आज वो बेचारे कहीं से उधार लेके लोन लेके उन्होंने ई रिक्शा लिए लेकिन सरकार के राजनीतिक लाभ उठाने के केवल मुद्दे की वजह से वो बेचारों के सिर के ऊपर आज तलवार लटक रही है. Meanwhile, Upadhyay was seen giving assurance to the e-rickshaw owners who have invested their hard-earned money into it and said that the government would go to Supreme Court if need be. एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं और यह संदेश भी सब ई रिक्शा वालों को देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके लिए पहल की है उसके लिए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं. ई रिक्शा दिल्ली में बंद नहीं होंगे, कोर्ट के ऑर्डर की हम सम्मान करते हैं लेकिन जो जिस तरह से डिसऑर्गेनाइज हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को उपराज्यपाल को इसके लिए जो भी अपनी तरफ से प्रयास करने हैं वो निश्चित रूप से इसके लिए बेस्ट डिफेंस करेंगे. अगर इसके लिए जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तो वो भी जाएंगे. इनको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस इनको मिली हुई हैं और केवल इसमें दिल्ली की ये बहुत बड़ी जरूरत है. कुछ राजनीतिक दल इस पर ऊंची राजनीति कर रहे हैं, छोटी राजनीति कर रहे हैं. Powered by NNIS.